हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद नेहा। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को आम का खट्टा मीठा अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम गुरम्मा भी बोलते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पर प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। सबसे पहले आम का खट्टा अचार बनाने के लिए हम ये मीडियम साइज़ के 3 कच्चे आम लेंगे। इन्हें हम छील करके पीस पीस में काट लेंगे। आपको जैसा पीस चाहिए हो, मीडियम, स्मॉल या थोड़ा बड़ा, तो आप उससे काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद अब हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तकरीबन ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 लाल मिर्च तोड़कर डालूंगी। ये 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ डालूंगी। ये अदरक मैंने लिया है 1 टुकड़ा, इसे मैं छील करके कूट लूँगी। ये देखिए, अब ये करीबन 1 चम्मच है, इसे मैं डाल दूँगी ऑयल में। 1 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। फ्लेम हाई होगा तो जल जाएगा। अब आम को इसमें डाल करके 2 मिनट तक हम इसे थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा इसमें जब कलर आ जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 1-2 मिनट। अब मैं इसमें गुड़ को डालूंगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम जितना आम लेंगे उसका डबल हम गुड़ लेंगे। ये देखिए, अगर आपका गुड़ साफ़ ना हो तो आप इसे पहले पानी में पिघला करके छान करके डालें। गुड़ साफ़ हो तो आप डायरेक्ट गुड़ डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और ये 2 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। सबको मिला लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे। फ्रेंड्स, आम के खट्टे मीठे अचार में हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जब हम गुड़ को और आम को पकाते हैं तो देखिए, ये अपने आप पानी छोड़ता है। आम जब गलेगा, पकेगा, तो उसका पानी अपने आप निकलेगा। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से। हमें इसी में आम को पकाना है और हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। 2 से 3 बार इस तरह से ढक ढक कर हम इसे पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से आम भी हमारा पक चुका है और जो गुड़ था वो पूरा गल चुका है, पिघल चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, आम का खट्टा मीठा अचार बन करके तैयार है। मैं आपको ये आम को काट के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये देखिए कितनी आसानी से दब जा रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।